नमस्कार दोस्तों, कदम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम VST पावर टेलर के पूरी वायरिंग असेंबली कैसे लगाएं ये आज हम देखेंगे। इसके लिए आपको पहले ये वाला और ये वाला निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ। A few moments later, ये दोनों भी ढक्कन निकाल लिए गए हैं। अभी हम देखेंगे कि VST पावर टेलर में लगने वाला वायरिंग और उसके एसेसरीज कैसे हैं देखने वाले हैं। तो ये है वायरिंग हर्नेस जो हम VST पावर टेलर के वायरिंग करने में यूज़ करने वाले हैं हम। और ये है ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर, ये है प्रोटेक्टर और उसका स्विच, ये है LED जो हम मेरे वायरिंग में लगाने वाले हैं। तो इसका जो पुराना वाला जो होल्डर था उस पर ही बांध दिया है उसको। तो अभी ये पूरा वायरिंग निकालने से पहले, मतलब कंपनी का वायरिंग निकालने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अपना वायरिंग का स्विच आता है तो उसको स्विच को निकाल के, उसका स्क्रू निकाल के, तो उसको एक कोई तो धागा बांधने का। धागा बांधने के बाद क्या करने का, यहाँ से वायरिंग खींचने का। तो खींचने के साथ वो धागा भी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक वायर खींच दी थी उसके साथ। ये ऐसे आपको वायर खींचने का है वहाँ से, क्योंकि अगर क्या होगा कि यहाँ पे मुझे मालूम नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप होता है, वहाँ से उसको वायरिंग को खींचना पड़ता है। अगर उसमें से नहीं आए तो वायर कट भी सकता है और अपना गियर नहीं लग सकता। तो हम अभी शुरू करते हैं वायरिंग पूरा करने के लिए। 2000 years later, तो हमने वायर निकाल ली है वहाँ से। अभी यहाँ तक वायर आई है, तो यहाँ से खींच के हम क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे से ग्रुपिंग करते हैं। करें और ये आएगा अभी आगे को, ये आएगा LED करो। अभी अपने को वोल्टेज कंट्रोल ले, वोल्टेज कंट्रोलर, ये अपना वोल्टेज कंट्रोलर है। तो इसको अभी मेरे को अभी यहाँ पे ही जगह है इसको। आपको अगर दूसरी कहीं जगह हो तो आप वहाँ पे लगा सकते हो, वायर लंबी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। वोल्टेज कंट्रोलर लगने तक हम प्रोटेक्टर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे LED के साथ हमें प्रोटेक्टर लगाना है, तो उसके लिए आप ये एक पीली और एक लाल ये लेंगे यहाँ पे। तो मैं पहले लगा लेता हूँ। तो ये मैंने अभी प्रोटेक्टर लगा लिया है, तो अभी मैं LED जोड़ता हूँ उसको। तो अभी ये जो कनेक्टर है आपके केस में नहीं होंगे शायद, यहाँ पे हम मार्किंग करके देंगे कि यहाँ से पॉजिटिव कौन सा है और निगेटिव कौन सा है। और ये LED का जो पॉजिटिव और निगेटिव है ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसको मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अभी इसको अच्छे से रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसको लटका देता हूँ। तो इसको टिप आने से निकाल के यहाँ पर उसको लगा देता हूँ। तो हमने अभी प्रोटेक्टर को अच्छे तरह से लगा लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कनेक्टर को ऊपर से चिकट टेप लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक वाला टेप होता है वो, उसको लिपटा दीजिए ताकि ये वाइब्रेशन की वजह से वो निकल ना जाए। तो हम अभी आगे चलते हैं। तो हमने अभी ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर को लगा लिया है। ये जो है तो इसका इनपुट साइड है और ये इसका आउटपुट है। तो इसका इनपुट डायरेक्ट हमारे जनरेटर की तरफ से आएगा। ये अल्टरनेटर है
इसका एसी सप्लाई यहाँ से तैयार होता है और इस वायर के थ्रू ये अपने ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल में आता है। बाद में ये इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, वहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रेक्टिफायर है, तो इसका ये सिरा जो है रेक्टिफायर का, ये जो सिरा है, तो यहाँ पे भी पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है, यहाँ पे पोलैरिटी का इशू है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। तो आपको देखना है कि एक समान कलर कोड रहना चाहिए उसका। तो ये मैं यहाँ पे अच्छे से ग्रूटिंग कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। ये हमारा स्विच है जो यहाँ पे लगने वाला है। आपके केस में अगर और कहीं जगह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, तो मेरे केस में तो यहाँ पे उसके लिए सही जगह है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो हमने अभी स्विच को जोड़ा है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेम कलर कोड की वायर दिख रही है हरी हरी, तो उसमें हमें स्विच जोड़ना है। तो पहले मैं स्विच जोड़ के लेता हूँ। हमने अभी स्विच को कनेक्ट कर दिया और जो बचे हुए दो वायर्स हैं वो पीछे वाले पॉइंट है, जो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला स्विच कनेक्ट करके यहाँ पे आप अलग से पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये अपना अभी वायरिंग असेंबली जोड़कर कंप्लीट हुआ है अभी। तो ये वायरिंग असेंबली की एक अनोखी बात है, इसको कोई भी जोड़ सकता है। अगर आपके पास बेसिक टूल हो तो उस टूल में आप ट्रैक्टर खोल के पूरा असेंबली इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने अभी ट्रैक्टर को शुरू कर दिया है, तो हम अभी इसका स्विच शुरू करते हैं। शुरू किया, तो ये अपना एलईडी अभी शुरू हो गया। मेरा एलईडी पुराना है, उसके वजह से थोड़ी इंटेंसिटी कम लग सकती है और उसका रेसिंग भी कम है। रेस कर, वोल्टेज टेस्ट करने वाले हैं। तो हम अभी उसका वोल्टेज है, तो वोल्टेज चेक करने वाले हैं। रेस कर। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि जो अपने सिस्टम का जो वोल्टेज है, तो वो वोल्टेज 11 से लेकर 15 तक होता है। तो अगर आपको ज़्यादा सेंसिटिव चाहिए तो हमारा दूसरा वायरिंग होगा, तो आपको वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे उसमें क्या होगा कि 12 वोल्ट कांस्टेंट ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा। तो यहाँ पे उतना चलता है क्योंकि लोड के हिसाब से वो वेरी होता रहता है। अगर आपने उसके साथ कोई एक्स्ट्रा वाला लोड लगाया तो आपका वोल्टेज वो 12 तक आ जाएगा अपने आप। तो मैं पहले अभी क्या करता हूँ, उसका जो उसके जो कैप्स है, ये वाला और ए वाला कैप जोड़ लेता हूँ और हम डायरेक्ट अभी उसको ट्रैक्टर को घुमा के देखेंगे। अभी हम रात में हमारी वायरिंग का कितना रोशनी पड़ता है वो देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से रोशनी पड़ रही है, जिससे हम लोग रात में काम कर सकते हैं आराम से।